An Academy. Let's crack it. ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन जी. स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में. मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? श्रयन, श्रवणी, अश्मित वगैरह जो भी बच्चे हैं, वॉइस क्लियर? ओके अश्मित, नंबर सिस्टम के सेशन में है. हेलो सुप्रिया. चलो एक काम करते हैं, जब तक बाकी बच्चे आ रहे हैं मैं लिंक भी शेयर कर रहा हूँ. अगर आपके वैसे कोई डाउट है क्वांट से रिलेटेड, ठीक है, तो आप एक बार चैट के थ्रू पूछ लो, तो मैं उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे पहले आपसे बात कर लेता हूँ, ठीक है. ऑब्वियसली नंबर सिस्टम पूरा तो नहीं पढ़ाया जा सकता, राइट, विद इन वन आवर तो नहीं पढ़ाया जा सकता, लेकिन हाँ नंबर सिस्टम के कुछ आइडियाज मैं आपको दे देता हूँ कि क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, तो क्या ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या हमें करना चाहिए वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं, ठीक है, उन सब के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ. उससे पहले अगर आपके कुछ डाउट है रिलेटेड टू, जब तक बाकी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं मैं लिंक भी अभी शेयर करता हूँ, तो जो भी डाउट है एक बार कॉमेंट सेक्शन में आप डाल दो, तो वन बाय वन में उसके ऊपर जो भी क्वांट से रिलेटेड है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ. गुड इवनिंग सुप्रिया. गए कितनी कितनी सुप्रिया आज क्लास में, ठीक है, दो तीन, अच्छा दो है, सॉरी. नाम इतना कॉमन नहीं है जितना चैट में दिख रहा है. बस एक सेकंड, इस सेशन का लिंक बस एक मिनट रुकना है. ओके सर, तो शुरू करते हैं. सर अभी से स्टार्ट करूं तो क्या निकल जाएगा कैट और क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए? ओके विवेक, कुछ पढ़ा है पहले आपने, मतलब बिल्कुल फ्रेश हो आप कैट की इस जर्नी में, या फिर आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा है? कितना टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो वगैरह? बिल्कुल फ्रेश है, कुछ खास नहीं पढ़ा अभी तक आपने? सब्सक्रिप्शन है लेकिन आई गेस आपके पास, है ना? ओके सुरभि, ओके देखो दो तीन चीजों पे ध्यान रखना, और ये टेंशन भी हो रही है कि क्या टाइमली सिलेबस करना, टाइमली मतलब आपने क्या सुरभि, आपका क्या है थॉट कि भाई इतने टाइम के अंदर सिलेबस हो जाना चाहिए? कुछ आपकी प्रिडिक्शन होगी तभी आप उस पर कंफ्यूज हो रहे हो, तो आपकी कुछ प्रिडिक्शन है कि सर इतने टाइम के अंदर मेरा सिलेबस हो जाना चाहिए वगैरह? और बाकी विवेक देखो दो चीजें हैं, अगर अभी से आपने स्टार्ट किया भी है तो यार एक तो ये ध्यान रखना क्योंकि आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो काफी सारे पुराने सेशन भी है जो अनलॉक हो जाते हैं, क्योंकि पूरी अनअकैडमी ऐप आपके लिए अनलॉक हो जाती है, राइट ना? पूरी अनअकैडमी ऐप आपके लिए अनलॉक हो जाती है, ठीक है. तो आप क्या कर सकते हो कि जो अगर बाई चांस आपका है कि कुछ यू नो या फिर सुरभि आपका है, तो अगर आपको कुछ टॉपिक है जो मतलब आपको लगता है कि क्योंकि देखो सेम पेज पे या फिर सेम डेडिकेशन के साथ कैट 22 पे भी पढ़ाएगा, 23 पे भी, सारे टॉपिक आपको नो डाउट कराए जाएंगे, बट अगर आपके पास टाइम बचता है तो कुछ पुराने टॉपिक आप रिकॉर्डिंग से कवर अप कर सकते हो. दूसरा क्या है कि ना सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए सुरभि कि सिलेबस कंप्लीट होने से ज्यादा, सिलेबस तो देखो मैक्स 10 अगस्त तक तो ऑब्वियसली हो जाता है, हो जाएगा, ठीक है, 15 अगस्त पकड़ लो, 15 अगस्त तक तो हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है अगस्त के बाद आ जाता है, हमारा सेप्टेम्बर आ जाएगा, अक्टूबर आ जाएगा और नवंबर आ जाएगा. तो इन शॉर्ट आप ये चाहते हो कि सर मेरे पास कम से कम 3 महीने हो मॉक टेस्ट देने के लिए, राइट ना सुरभि, कि कम से कम मेरे पास 3 महीने तो होने चाहिए जब मैं मॉक टेस्ट वगैरह दे रही होंगी, राइट. तो आप एक काम करें सुरभि, आप ना इस चीज पे फोकस करो कि जैसे अगर मैं क्वांट्स की बात करूं तो आप क्वांट्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, मतलब नो डाउट वैसे 15 अगस्त तक सिलेबस हो जाएगा, ठीक है, बट स्टिल क्योंकि बाद में फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लासेस बढ़ जाती है एंड ऑल, जिसकी वजह से 15 अगस्त तक में मैक्स टू मैक्स सिलेबस करा दिया जाता है बच्चे को, ठीक है, ताकि वो 3 महीने अच्छे से मॉक टेस्ट वगैरह दें. लेकिन एक बात ना ये चीज ध्यान रखना सुरभि, एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या आती है ना, कई बच्चे ना सिर्फ और सिर्फ सिलेबस खत्म होने का वेट करते हैं, क्या सिलेबस कब खत्म होगा, सिलेबस कब खत्म होगा, सिलेबस खत्म हो जाएगा. आपको क्या करना है कि आपको ध्यान रखना है कि यार ये नहीं होना चाहिए कि जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो उसके बाद मैं फिर रिवीजन भी करूंगी वन बाय वन सारे चैप्टर्स के. मतलब मेरा कहना यह है कि आपको ना साथ साथ रिवीजन भी करते हुए चलना है,
एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपने जनवरी में परसेंटेज पढ़ा और अब आ गया है मई, लेकिन आपने उस परसेंटेज को रिवाइज नहीं किया बहुत टाइम से, तो फिर आप गलत ट्रैक करो। मतलब ये होना चाहिए कि ठीक है 15 अगस्त की बजाय चाहे आपका सिलेबस 30 अगस्त को खत्म हो, बट ये होना चाहिए कि जब आपका सिलेबस एंड हो जाए तो हर एक चैप्टर, कोई चैप्टर ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके रिवीजन से बाहर है, आपने उसको रिवीजन में भी रख रखा है हर चैप्टर को। अब सर रिवीजन कैसे करना होता है, तो रिवीजन के लिए दो चीजें होती है सुरभि, डिपेंड करता है आप पढ़ के, आप मेरे से पढ़ रहे हो, जिससे भी पढ़ रहे हो, पढ़ाते तो सभी अच्छा है, आप जिनसे भी पढ़ रहे हैं तो आपने उनके प्रॉपर नोट्स भी बनाए होंगे, जाहिर सी बात है जब वो कोई चैप्टर पढ़ाते तो आपने प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे हर चीज के, ठीक है। तो आपको टाइम टू टाइम अपने टीचर के पढ़ाए हुए नोट्स को रिवाइज करना है, और जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों की, मतलब दो चीजों पे सिर्फ फोकस करना है आप सभी बच्चों को, दो चीजों पे। नंबर वन, आपके टीचर ने जो आपको पढ़ाया तो पढ़ाते वक्त उन्होंने आपको बहुत सारे, कोई भी एक चैप्टर है तो बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक बताई होंगी किसी क्वेश्चन को करने की, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे जिनपे डिस्कशन हुआ होगा, और तीसरा आ जाता है वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए होंगे, और वैरायटी एंड प्लस में क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, वो सब भी उन्होंने कराए होंगे। तो इन सब का मिक्सचर करके एक टीचर अपना एक चैप्टर बच्चे को कंप्लीट कराता है। तो सबसे पहले तो आपको ये सारे टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहने, ताकि ये हर चीज आपके बिल्कुल टिप्स पे आ जाए, बिल्कुल टिप्स पे आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कभी गलती से मॉक टेस्ट में दिख गया, वो आपने पढ़ा है ना, वो फ्रेश फ्रूट ड्राई फ्रूट वाला क्वेश्चन होगा, प्राइस कंजम्पशन वाला क्वेश्चन हो गया, टैक्स वाला क्वेश्चन हो गया, सक्सेसिव परसेंटेज हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस स्टॉपेज वाला हो गया, फिर कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो बड़े ही सिलेक्टेड फॉर्मेट के क्वेश्चन होते हैं, और एग्जाम में मॉक टेस्ट में इंक्लूडिंग एग्जाम में एज इट इज रिपीट हो जाते हैं। ऑब्वियसली डेटा चेंज होगा बट क्वेश्चन का फॉर्मेट बिल्कुल रिपीट हो जाता है। तो वो क्वेश्चन जैसे ही आपको दिखे, आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि यार इसका मुझे तरीका बताओ, और फटाफट से उसको सॉल्व कर दो। तो उन सब चीजों के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपने अपने नोट्स को बहुत टाइम टू टाइम रिवाइज कर रखा है। और एक काम ये होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें करना होता है, और दूसरा काम ये होता है क्या, दैट इज जो हर बच्चा यहाँ बैठा, मुझे लगता है हर बच्चा इस प्रॉब्लम को फेस करता होगा कि सर जब आप लोग पढ़ाते हो तो हमें सब समझ में आता है, लेकिन जब हम करने बैठते हैं तो हमसे क्वेश्चन नहीं हो पाते। मानते सभी बच्चे ऐसे बहुत कैटेगरी है ना, कि आप लोग कराते हो तो बढ़िया सब समझ में आ रहा है, लेकिन खुद क्वेश्चन लेके बैठे तो क्वेश्चन नहीं होते। इसको ना पहले आप इस बात को समझो। जो दूसरी कैटेगरी है ना, वो ये है, अब आपका इसका मतलब ये नहीं कि आप बस बैठ के नोट्स ही रिवाइज कर रहे हो, कि कभी भी बोला परसेंटेज रिवाइज कर लो तो आपने उठाए वही नोट्स टीचर के, और वही उठा करके आप रिवाइज करने लग गए खत्म, फिर उठाया और वही रिवाइज करने लग गए खत्म, ऐसा नहीं करना है। उसे तो रिवीजन करना है, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसका कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि अगर इसका शॉर्टकट होता तो क्या ये प्रॉब्लम अब तक सॉल्व नहीं होगी होती, राइट अश्मित? अगर इसका कोई तरीका होता कि टीचर आपको एक ऐसा तरीका बता दे कि जिसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन उठाओ और आप उसको सॉल्व कर दो, तो क्या ये हर बच्चे की प्रॉब्लम अब तक सॉल्व होगी होती ना? लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही, दैट मीन्स इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक चीज होती है जो कि प्रैक्टिस के साथ आती है, दैट इज क्वेश्चन को डीकोड करना। कोई भी क्वेश्चन है उसको डीकोड करना, कि वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उस क्वेश्चन को पढ़ना और ये समझना कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ये सॉल्व कैसे होगा। जब आपको ये समझ में आएगा क्वेश्चन पढ़ के कि भाई ये कहना क्या चाह रहा है और ये सॉल्व कैसे होगा, तब जा करके आप अपने टीचर के बताए हुए शॉर्ट ट्रिक, उनके बताए हुए कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो क्वेश्चन में। लेकिन ये तब यूज होंगे जब आप क्वेश्चन को खुद से डीकोड कर पाओगे, और खुद से क्वेश्चन को डीकोड करना यही सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है, जिसके लिए मैं सही बता रहा हूं, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए होती है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, आप सबसे मैं पूछूंगा, एक मुझे पोल के थ्रू बताना आप लोग, कि अगर आप लोगों ने मान लो अपने टीचर के साथ परसेंटेज चैप्टर पढ़ा, फिर आपने कोई बुक उठाई, चाहे वो अरुण शर्मा, चाहे वो क्वांटम कैट, जो भी बुक उठाई, और तरीके से पहले एलओडी वन फिर एलओडी टू की तरफ गए, तो अगर आप 10 क्वेश्चन ट्राई करते हो अपने एंड से, तो आप उसमें से कितने सॉल्व कर पाते हो, कोई भी बच्चा बताना चाहेगा? जब आपने अपने टीचर के साथ एक चैप्टर पढ़ लिया और उसके बाद जब आप उस चैप्टर को प्रैक्टिस करने के लिए, चाहे आप अनअकैडमी का स्टडी मटेरियल उठाओ, चाहे कोई सा भी स्टडी मटेरियल उठाओ, और मान लो आप उसमें से 10 क्वेश्चन उठाते हो, तो आप 10 में से कितने क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि सर मैं ये इतने क्वेश्चन तो मैं कर जाता हूं? अब जैसे ये कह रहा है 7 कर पाता हूँ, सुरभि कह रही है 6-7, सुप्रिया कह रही है 8-9, विवेक कह रहा है सिर्फ 2-3 कर पाता हूँ, सिद्धांत कह रहा है 5-6 कर पाता हूँ। देखो, अगर आप 7 क्वेश्चन डील कर पाते हो ना, अगर आप ऑन एन एवरेज 7 तक पहुंच पा रहे हो, तो आप सही जा रहे हो, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अगर आप 7 क्वेश्चन कर पा रहे हो। क्योंकि अगर आप ये सोचो मैं कोई भी बुक उठाऊंगा और उसमें से मैं 10 के 10 कर दूंगा, वो तो फिर यार एक नेक्स्ट लेवल चीज होगी। और नो डाउट ऐसे कुछ बच्चे होते हैं, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ, उसके बाद अरुण शर्मा वगैरह बड़े आराम से खत्म कर देते, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती, रेयरली एक आधे क्वेश्चन में अटकते होंगे, लेकिन हर बच्चा वो नहीं होता है, हर बच्चा वो क्रीम लेयर वाला बच्चा नहीं होता है, ठीक है ना, समझ गए ना? कई एवरेज कैटेगरी के भी होते हैं और वो भी एंट्रेंस क्लियर करते हैं, बस वहां पर आपको थोड़ा सब्र ये करना है कि आप इसको ऐसे समझो कि भाई मैंने 10 क्वेश्चन ट्राई करे और 10 में से 7 क्वेश्चन में डीकोड कर गया कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। हमारे साथ एक बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या ना, ये सबके साथ है, वो नेगेटिव वाली चीजें ज्यादा पकड़ना, आपका इस पर फोकस नहीं होगा कि आप 7 कर गए,
आपका इस पे फोकस होगा कि मैं टीम जो नहीं कर पाया वो क्या, अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो क्या। इतना परेशान मत हो, सबसे पहले इतना परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। आप 7 क्वेश्चन तो डीकोड कर गए ना, ठीक है, उस क्वेश्चन में होगी कोई खास बात ऐसी जो आप नहीं पकड़ पा रहे हो, तो फिर आप उसको क्या करो, जैसे अनअकैडमी पे आस्क का डाउट करके वहां पे पिक डाल दी, टेलीग्राम पे शेयर कर दिया, या फिर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, एक बात बताता हूं, आप एक छोटा सा मुझे प्रैक्टिकली बताना। आप ये बताओ, जब मैंने मान लो कैट के लिए पढ़ना शुरू किया या पढ़ाना शुरू किया, आपको लगता कि मैं इतना ब्रिलियंट होगा, मैं या कोई भी इतना ब्रिलियंट होगा कि उसको आप कोई भी क्वेश्चन दे दो और वो फटाक से सॉल्व कर देगा? आपको लिटरली लगता है ऐसा हो सकता है कि इतना ब्रिलियंट कि मैंने कैट पढ़ना शुरू किया, या चलो मैंने जब पहली बार कैट पढ़ाया, जब मैंने पहली बार कैट पढ़ाया तो क्या मैं इतना नेक्स्ट लेवल इंसान हूंगा कि मेरे को आप कोई भी क्वेश्चन दे दो और मैं उसको सॉल्व कर दूंगा एक बारी में? ऐसा नहीं होता। कई क्वेश्चन में जो अभी, क्योंकि लेकिन फिर एक्सपीरियंस के साथ साथ हम लोग सीख जाते हैं, जैसे ऐसे हम पढ़ाते जाते 3-4 साल हुए तो फिर एक एक्सपर्ट वाला जोन आ जाता है, क्योंकि मैक्स टू मैक्स कितने क्वेश्चन है। अरुण शर्मा के क्वेश्चन उठा लो, क्वांटम कैट उठा लो, ठीक है, अगर मैं आपको लिटरली बताऊं, अरुण शर्मा है, यही सब 3-4 बुकें मार्केट में जो फेमस है, अरुण शर्मा, क्वांटम कैट, फिर कुछ इंस्टीट्यूट हो जाते हैं, कुछ 3-4-5 इंस्टीट्यूट, वही 4-5 इंस्टीट्यूट है फेमस हो गए, अनअकैडमी उठा लो, तो अगर मैं सबके क्वेश्चन भी उठा के मिला लू ना, तो जैसे मैं लिटरली मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने परसेंटेज पकड़ा ज्यादा से ज्यादा कितने, वही 500 क्वेश्चन है, वैरायटी के मान लो 500 क्वेश्चन है, बिल्कुल मैक्स में बात करूं वैरायटी 500, वही 500 क्वेश्चन है जो इधर उधर घूम रहे हैं, बस जो इसमें क्वेश्चन है वही सारे क्वेश्चन, कोई इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, अरुण शर्मा के मैक्सिमम क्वेश्चन हो गए वो इधर हैं, बस है लैंग्वेज बदल रखी है, राम को श्याम लिख दिया है, 42 को 35 लिख दिया है, बस वही सारा डेटा इधर उधर फ्लक्चुएट करके घुमाया जा रहा है, तो वैरायटी कितनी है, 500 है, ठीक है। मैं 500 में से कुछ क्वेश्चन में अटक गया, तो मैं जब अटक गया तो मैंने उसको सॉल्व कैसे किया, क्योंकि मेरे पास तो था नहीं कोई, मेरे पास कोई टेलीग्राम थोड़ी है, मैं जाके थोड़ी किसी से पूछूंगा, तो सिंपल है कि अगर मैं 10 में से, मैंने अपने टीचर के साथ सब कुछ पढ़ रखा है और मैं 10 में से 7 क्वेश्चन डीकोड कर पा रहा हूं, दैट मींस मेरे फंडे क्लियर है। अब मान लो मैंने कोई क्वेश्चन उठा और मेरे से सॉल्व नहीं हो पा रहा, दैट मींस मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो उसमें मैं सिंपल क्या करता था, मैं उसका सॉल्यूशन देखता था, कोई बुक होगी तो उसके पीछे सॉल्यूशन भी तो लिखा होगा ना, मैं उसके सॉल्यूशन को फॉलो नहीं करूंगा क्योंकि वो तो एक्स एक्स मान के लिख रहा है, मैं उसके सॉल्यूशन को फॉलो नहीं करूंगा, बट जब मैं उसके सॉल्यूशन को जो उसने ट्रेडिशनल मेथड से किया है, जब ट्रेडिशनल मेथड से ही करे हुए सॉल्यूशन को मैं समझूंगा, तो उसको समझने के बाद मुझे क्वेश्चन समझ आ जाएगा। यार देखो फर्क क्या है, ट्रेडिशनल मेथड में बंदा एक्स मानता है, नॉर्मल मेथड में आप 100 मान ले तो यही तो फर्क है, ज्यादा से ज्यादा क्या फर्क है। जैसे मैं इलेक्शन के क्वेश्चन कराता हूं, बुक में लिखा होता है कि टोटल वोट एक्स मान लो, मैं कहता हूं टोटल वोट 100 मान लो, लेट तो दोनों ही नहीं किया, ट्रेडिशनल वाला भी लेट कर रहा है, आप भी लेट कर रहे हो, फर्क इतना ही तो है, मानते सभी बच्चे इस बात को? तो आप इस चीज को पकड़ना और खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, सबसे पहले ना खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना कि यार मैं जरूरत से ज्यादा टीचर से इन सब पे डिपेंड नहीं करूंगा, पहले मैं खुद का ट्राई करूंगा, राइट है। तो वहां पे क्या है, सिंपल, तो जैसे ये सारे के सारे क्वेश्चन जब मैंने भी कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन जब 450 क्वेश्चन जब मैंने सॉल्व किए, हर एक बुक को, चाहे कोई भी मटेरियल उठा लो इंस्टीट्यूट का, सब मैंने सॉल्व कर रखा है, चाहे बुक को सॉल्व कर रखे, सारी कर रखी है। तो पॉइंट क्या, इन सबको कर करा के अगर मैं कहीं पर अटका, नहीं लैंग्वेज समझ में आ रही, और उसका कई बार इशू मैं बताता हूँ होता भी क्या, कई बार ये भी इशू हो जाता है कि सामने वाला जो सोच के क्वेश्चन बनाना चाह रहा है, क्योंकि कई चीजें होती है जो लैंग्वेज में लिखी जाती है, आप इस बात को समझने की कोशिश करना कि कई बार ये भी होता है कि मान लो मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाना है, अब मान लो मैंने अपने मन में क्वेश्चन सोचा ऐसे, जैसे मैं भी तो कई बार होता है ना असाइनमेंट के लिए खुद बैठ के क्वेश्चन बनाता हूँ बच्चों के लिए, तो उसमें मैं सोचता हूँ यार ऐसा कुछ क्वेश्चन डालता है, सिंपल मैं बता रहा हूँ कि भाई अरुण क्या करेगा, अरुण ने श्याम से कुछ पैसे मांगे और जो रेट है उसने उससे 10% पे मांगा, और भाई टाइम एक काम करता हूँ 2 साल कर देता हूँ, हाफ ईयरली कर देता हूँ, और बच्चे से पूछूंगा सिंपल और कंपाउंड का डिफरेंस बताओ। लेकिन ये ना मैं अभी बोल रहा हूँ, ये मैं अभी बोल रहा हूँ तो आपको समझ आ रहा है, लेकिन अब इसी क्वेश्चन को मुझे स्टेटमेंट वाइज लिखना है, तो कई बार कुछ क्वेश्चन की स्टेटमेंट ना उतनी परफेक्ट सामने वाला बना नहीं पाता, कई बार बनाने वाले की भी गलती होती है कि वो अपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को इतना अच्छे से लिख नहीं पाता कि जो वो उस क्वेश्चन में कहना चाह रहा है वो इंफॉर्मेशन क्लियरली पहुंचे, समझ गए। तो कई बुक्स में और कई इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में ये भी दिक्कत आ जाती है, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो इन दैट केस जब हम सॉल्यूशन वगैरह देखते हैं तो हमें क्लियर हो जाता है कि अच्छा क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ये बात क्लियर है सभी बच्चों को, यस और नो? जैसे मुझे भी कई बार आप लोग जब कुछ बच्चे डाउट भेजते हैं तो मुझे लगता है कि यार ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ना और अच्छी बनाई जा सकती थी, जिससे कि सामने वाले को क्लियर हो जाए कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, तो वो भी छोटे छोटे ड्रॉबैक आ जाते हैं, डन है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, बात क्लियर है। हाँ, अब कोई बच्चा कह रहा है कि सर मैं सिर्फ 10 में से 2 क्वेश्चन कर पा रहा हूँ या मैं 2-3 ही क्वेश्चन कर पाता हूँ, तो थोड़ी सी टेंशन वाली बात है, दैट मींस आपको और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है।
तो वहां ये मत सोचो कि आपको आता नहीं, आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है। लेकिन मैं सही बताऊं ना, सबसे पहले आप एक काम करो, आप ना ये किया करो, मतलब इसको यार ऐसे मत लेना कि मैं किसी ईगो एंगल पे कह रहा हूँ, बट मैं कई बार देखता हूँ, कई जैसे ऑफलाइन बच्चे कहीं पे पढ़ते हैं, ठीक है, उनमें मैंने कभी कभार देखा ना कि कई बार मुझे लगता है सही तरह पढ़ाया भी नहीं गया, बहुत सारी बातें जो उस बच्चे को नहीं बताई गई है, बहुत कुछ अभी मिसिंग है इसके अंदर, ठीक है। तो उसको जज करने के लिए कि आपने जो पढ़ा वो बिल्कुल सही पढ़ा है, आप सब कुछ मतलब जो आपने पढ़ा है वो बिल्कुल काम का कॉन्टेंट है या नहीं है, क्योंकि भाई टीचर जो बोलेगा आपको तो वही ठीक लगेगा, बट थोड़ा तो जज करना बनता है ना। तो आपको जज करने का सबसे बेटर तरीका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, आपके टीचर ने बोला परसेंटेज कंप्लीट हो गया, तो उठा करके पीवाईक्यूज करो और देखो पीवाईक्यूज में यूज होने वाले जो भी शॉर्ट ट्रिक हैं, जो भी तरीके हैं, क्या वो क्लियर, मतलब क्या वो शॉर्ट ट्रिक तरीके पीवाईक्यूज में यूज हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। अगर ऐसा हो रहा है कि टीचर ने पढ़ाया है शॉर्ट ट्रिक वगैरह, लेकिन जब पीवाईक्यू की बारी आई तो वो चला गया ट्रेडिशनल मेथड पे, कि फिर वो ट्रेडिशनल मेथड यूज कर करके सॉल्व करा रहे हैं, दैट मींस वो शॉर्ट ट्रिक वगैरह जो थी वो सब बेतुकी थी, बकवास थी, उसका कोई मतलब लॉजिक नहीं है, समझ गए। तो थोड़ा सा पीवाईक्यू से जज करना है। तो हमेशा जब भी कोई चैप्टर करो, सबसे पहले अपने टीचर के साथ चैप्टर डन कर लो ना, तो उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करो, ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 5 साल के तो कर ही लो, लास्ट 5 ईयर के। डन है बात, सभी बच्चों को क्लियर होगी ये चीज, आई होप कुछ क्लियरिटी बनी आप सबके दिमाग में, डन है। तो सबसे पहले बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, मैं सच बता रहा हूं, अगर आप 10 में से 7 भी कर पा रहे हो बहुत सही हो, बहुत सही जा रहे हो, अगर आप 10 में से 7 क्वेश्चन भी डील कर पा रहे हो तो, ठीक है। ये तो पंगा है ही सुरभि, ये कॉलेज वाले बच्चों के साथ रहता है पंगा इसका, मतलब ये तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, जैसे अभी आपके मिड ये हो जाएगा, अभी आपके सेमेस्टर एग्जाम शुरू हो जाएंगे, फाइनल एग्जाम व्हाटएवर जो भी है, बट उसके बाद प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, बट वहां थोड़ा सा मैनेज करना। इन दैट केस सुरभि, क्या अगर कई बच्चों से बात होती है, जैसे एक बच्चे ने प्लान बताया कि सर मैं क्या सोचो, मैं सिर्फ क्वांट्स पढ़ूंगा, एलआरडीआई में उस बीच नहीं पढ़ूंगा, तो ये भी कहना गलत है कि आप एलआरडीआई नहीं पढ़ोगे। आप ये कर लो कि अगर आप मान लो 3 सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं सब्सक्रिप्शन पे, और मान लो आप 2 सब्जेक्ट फॉलो कर रहे हो, तो एटलीस्ट तीसरे सब्जेक्ट को आप पूरा का पूरा ही नहीं कि 1 महीने पढ़ोगे नहीं, जैसे मान लो आपने क्वांट्स सोचा कि एक काम करता हूं मैं एलआरडीआई और वीआरसी पढ़ूंगा, मैं क्वांट्स नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, तो ऐसा मत करो कि क्वांट्स को छोड़ दिया। फिर आप ऐसा कर लो कि क्वांट्स में जो भी आप 4-5 चैप्टर, या फिर ऐसा कर लो कि यार पहले जैसे आप 10 दिन का गैप लेने वाले, तो कोई नहीं यार, पहले दिन परसेंटेज रेशो के क्वेश्चन ट्राई करेंगे, कहां से करेंगे, अनअकैडमी पे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं वहां से परसेंटेज रेशो के क्वेश्चन ट्राई करेंगे, या सर के नोट्स रिवाइज कर लिए। दूसरे दिन क्या करा, या टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के नोट्स रिवाइज कर लिए, और साथ में कुछ 10-12 क्वेश्चन कर लिए, मतलब एटलीस्ट 1 घंटा तो रिविजन को और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को दो। क्या ये बात क्लियर है सभी को, डन है। और मैं आपको ये जो बात बोल रहा हूँ ना कि ये जो सबसे बड़ी दिक्कत है, दैट इज क्वेश्चन को डीकोड करना, आप इस बात को जितना जल्दी समझ जाओगे ना उतना बेटर है आपके लिए। अगर आप ये सोचते रहोगे कि मैं अपने टीचर के पास नोट्स ही रिवाइज करने हैं, नोट्स अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि रिवाइज नहीं करने, रिवाइज करने हैं, बट आप जब तक कोई बुक उठा करके या कहीं से कुछ क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं करोगे ना, तब तक बात नहीं बनेगी। मैं ज्यादा भी नहीं कह रहा, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो पर डे के आपको खुद से सॉल्व करने हैं, राइट है, खुद से आपको उनको ट्राई करना ही करना है, उनको डीकोड करने की कोशिश करनी है। क्योंकि आप में से मैक्सिमम बच्चों ने हर बार देखा है, हम बुलाते हैं टॉपर को कि भाई ये टॉपर है इस बार के, और ये आपको बताएंगे उन्होंने तैयारी कैसे करी। स्टार्टिंग में क्या होता है, 10 में से 7 केसेस में क्या होता है कि वो बच्चा या तो समझ गए ना, या तो बीटेक बैकग्राउंड का होगा, फिर बच्चा कहता है ये तो बीटेक वाला, ये तो पढ़ने वाला बच्चा, ये तो निकाल ही लेगा, यही सब हो जाता ना मोस्टली बच्चों का, कि ये तो सर बीटेक वाले बच्चे हैं, ये तो सर वो बच्चे हैं जिनके पास मैथ्स ऑनर्स थी या फिजिक्स ऑनर्स थी, सर ये तो पढ़ाकू बच्चे, इनके तो निकल ही जाने वगैरह। देखो पॉइंट ये नहीं होता, बीटेक वाला जो है ना, बीटेक वाला बीटेक में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ रहा होता है ना, बीटेक वाला बीटेक के दौरान परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहा होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये जो कैटेगरी ऑफ बच्चे ना, ये बीटेक वगैरह वाले बच्चे या फिर जो कुछ अदर कोर्स है जिनमें बहुत एक्टिव है, उनमें बस फर्क इतना होता है कि वो जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती है ना, मैथमेटिकल प्रॉब्लम उनको वो सॉल्व करने की आदत में होते हैं। आप समझ पा रहे हो, मैथमेटिकल डेटा को सॉल्व करने की आदत में होते हैं, मतलब एक प्रॉब्लम को डीकोड करने की आदत में होते हैं, कि उनके सामने एक 4-5 लाइन का क्वेश्चन है, उसको पढ़ना और पढ़ करके ये समझना कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ये एक आदत होती है जो सिर्फ प्रैक्टिस के साथ आती है, राइट ना, क्या बोलूंगी, एक स्किल होती है इन शॉर्ट, जो सिर्फ प्रैक्टिस के साथ आती है, ये उन बच्चों में ऑलरेडी डेवलप्ड होती है, जिसमें उनका बड़ा प्लस पॉइंट निकलता है, ठीक है ना। तो आपको भी आदत डेवलप करनी पड़ेगी, जो इसी से हो सकती है कि आप एटलीस्ट 10-12 क्वेश्चन करते रहो, अगर आप 7-8 कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है। और तुरंत जंप मत करो, अगर कोई ऐसा बच्चा जैसे हर्ष हो गया, जैसे हर्ष आपने ये लिखा गया कि मेरे से 1 भी नहीं हो पाता वगैरह वगैरह, ठीक है जो भी है पॉइंट, लेकिन हर्ष देखो इसमें ना एकदम से ना हर्ष सीधा हैवी कंटेंट पे मत जंप कर जाओ। एक तो प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं पा रहे,
और कंटेंट चाहिए बिल्कुल हैवी लेवल का, कि सर हमें ना बिल्कुल डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन दो पढ़ने करने के लिए, बिल्कुल डिफिकल्ट वाले करेंगे और क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होते। मतलब माइंड मत करना हर्ष, मैं आपको ऐसा कुछ गलत नहीं कह रहा, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। आप लोग हमेशा जैसे कोई बुक है उसके LOT 1 बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करो, पहले हल्के फुल्के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करो, धीरे धीरे करके जब हल्के फुल्के क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो धीरे धीरे करके बिल्डअप होगा, एकदम से नहीं होगा कि एक तो क्वेश्चन नहीं हो रहा ऊपर से जाकर के सीधे वो क्वेश्चन जो 5-5 लाइन के क्वेश्चन होते हैं सीधा उनको उठाएंगे, पहले ऐसे नहीं होता, पहले आप एक एक दो दो लाइन वाले क्वेश्चन करो, धीरे धीरे करके लेवल अप करो अपना। समझ गए ना सभी बच्चे, पॉइंट क्लियर है? और बाकी जो सुरभि आपने सिलेबस का बोला ना, तो एक ना यार मेरे पास, मैं अगेन वो PDF शेयर कर देता हूँ अगर मुझे मिलती है वो, मैंने हालांकि सेशन बहुत पहले लिया था, मुझे एक मिनट देना, अगर वो PDF मिलती है तो मैं आपको शेयर करता हूँ, शायद आप लोगों ने देखी नहीं होगी वो। ये सेशन, ये सीमेंट का एग्जाम कब हुआ था यार, ये 4-5-4 तारीख का था सेशन, मैंने शायद 7 या 8 तारीख को लिया था। शायद ये होगी लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजी, शायद ये होगी, एक मिनट मेरा बस। हाँ ये लिस्ट ऑफ चैप्टर है यार, जो आपको ना बिल्कुल सब, मतलब जब आप बोलते हो ना आप ये टारगेट करो कि आप अगस्त एंड तक, ठीक है, जब आपका जुलाई खत्म, मतलब अगस्त की स्टार्टिंग में ना, जब आपका मान लो फर्स्ट, मतलब अगस्त शुरू हो गया, 1 अगस्त है, ये टॉपिक है जिन पे टिक लग जाने चाहिए कि भाई ये सारे टॉपिक मुझे आते हैं, क्योंकि ये क्वांट्स के वो टॉपिक हैं जो आपको बड़े आराम से, अगर आपका 22 क्वेश्चन का, आपको 22 में से 13-14 क्वेश्चन इसी के दिखेंगे, एटलीस्ट 15 क्वेश्चन, इनफैक्ट मैं कहूंगा इन्हीं में से दिखेंगे 15 क्वेश्चन कम से कम, तो आप इन पे फोकस करो सबसे पहले, इनको कंप्लीट करो। जैसे मैंने क्या बोला, अरिथमेटिक पूरा कंप्लीट करो, लेकिन स्टार्ट मैंने बोला कि रेशियो परसेंटेज एलिगेशन से करना, ठीक है, और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बिल्कुल लास्ट में करना। क्यों लास्ट में करना? क्योंकि एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो अक्सर क्या होता है इसमें ऑलमोस्ट सारा टाइम बच्चे का चला जाता है, मतलब जैसे कहने का मतलब है कि आपने स्टार्टिंग में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस उठा लिया, अब ये बड़ा चैप्टर है, अब ये आपका टाइम लेता जाएगा, अब एक चैप्टर में इतना टाइम लगेगा, फिर आपको वही लगेगा यार मैं बाकी चैप्टर कब करूंगा, तो इसको लास्ट में करना, स्टार्ट रेशियो परसेंटेज एलिगेशन से, इसको लास्ट में करना। ज्योमेट्री आप पूरी पढ़ो, हाँ नहीं ऐसा सब पढ़ना है, मैंने क्या बोला होल एरिथमेटिक लिखा, मैंने पूरा एरिथमेटिक आपको पढ़ना है, बस मैंने एक बात बोली है कि स्टार्ट रेशियो परसेंटेज एलिगेशन से करना, जब एरिथमेटिक पूरा करना है, मैं ही नहीं कह रहा कि ये 2-3 चैप्टर करने हैं, पूरा एरिथमेटिक करना, टाइम एंड वर्क वगैरह सब करना है, बस एक मैंने बात बोली है कि अपना एरिथमेटिक जब पूरा कंप्लीट कर रहे होगे तो उसे स्टार्ट रेशियो परसेंटेज एलिगेशन से करना और लास्ट में करना है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, मैं अगर पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, वैसे मेरा सजेशन है बस आपको, क्योंकि चैप्टर ना थोड़ा टाइम टेकिंग है, क्योंकि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में पता क्या, पहले टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ोगे, फिर बोट पढ़ोगे, फिर ट्रेन पढ़ोगे, फिर वो रेस आ जाती है, रेस में भी दो चीजें आ जाती है, लीनियर सर्कुलर, फिर आप एस्केलेटर पढ़ोगे, एस्केलेटर के क्वेश्चन करोगे, और एक वो फॉल्टी क्लॉक भी आई जाता है, वो भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में कंसीडर कर लेते हैं लोग बाग, तो ये बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है, तो थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसलिए लास्ट में करना, ठीक है। अब ज्योमेट्री मैंने क्या बोला, ज्योमेट्री आप पूरा करो, लेकिन क्वाड्रिलेटरल बाद में कर लेना, बाद में से मेरा मतलब है आप इसको ऐसे समझो, जो मेरा ये कहना है ना कि भाई एक होता है जो मास्टर लेवल पे कंप्लीट करना, अब बच्चा बोले सर ऐसे कैसे सर, ये थोड़ी है कि कोई टीचर क्वाड्रिलेटरल पढ़ा रहा है और मैं बोलूंगा कि नहीं नहीं मैं तो अगस्त के बाद पढ़ूंगा, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने अभी आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में, मैंने क्या बोला, डिवाइड योर चैप्टर इनटू 2 कैटेगरी, चैप्टर दैट वी हैव टू कंप्लीट एट मास्टर लेवल, बिल्कुल मास्टर लेवल पे जो करने, और मास्टर लेवल पे करने का मतलब होता है 3 स्टेप, कंप्लीट योर टीचर नोट्स एंड क्लास एंड रिवाइज एटलीस्ट 2 टाइम, कम से कम 2 से 3 बार आपने अपने टीचर के नोट्स वगैरह रिवाइज किए होने चाहिए, कम से कम लास्ट 6 ईयर के PYQs आपने किए होने चाहिए, और हर चैप्टर को टच में बनाए रखना है थ्रू आउट अगस्त, अब आप वो देखो कैसे करना है, लेकिन अगस्त तक हर चैप्टर आपके टच में होना चाहिए, मतलब जब अगस्त खत्म, मतलब अगस्त की शुरुआत हुई है, मतलब जुलाई खत्म हुआ है, तो उससे पहले ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आज से 3 महीने पहले आपने परसेंटेज पढ़ा था, या से 4 महीने पहले मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा था, ऐसा नहीं होना चाहिए, हर चैप्टर को थ्रू अनअकैडमी पे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वहां से 10-15 क्वेश्चन ट्राई कर लिए, टीचर के नोट्स रिवाइज कर, जैसे तैसे उनको थोड़ा टच में रखना है, बहुत ज्यादा महीने महीने का गैप नहीं आने देना है, डन है। तो ये 3 स्टेप करके ये चैप्टर आपको मास्टर लेवल पे करने, बाकी के जो चैप्टर है उनमें आप सिंपल रखो, बस अपने टीचर के नोट्स कंप्लीट कर लो, PYQ कर लो, बस बहुत है, टीचर के नोट्स करें, PYQs करें, दैट्स इट। अब आपको मास्टर लेवल पे कौन से चैप्टर करने, ये वो चैप्टर है जो बिल्कुल मास्टर लेवल पे करने, राइट, मतलब मान लो मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया, मान लो जुलाई आ गया, ठीक है, जुलाई में आ गया, हम लोग जुलाई में आ चुके हैं, और जुलाई में मैंने क्या करा आपको, मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, मैं क्वाड्रिलेटरल पढ़ा रहा हूँ, तो आपने क्या करा जुलाई में, आप जब मेरे से क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हो तो आपने ये रखा कि अरे यार जो क्वाड्रिलेटरल है सर ने कहा था मास्टर लेवल पे नहीं पढ़ना है,
तो मैं क्या करता हूँ, क्वाड्रिलेटरल में बस सर के नोट्स पढ़ूंगा और प्रीवियस ईयर में जो मेरे को क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन दिख गए बस वो करूंगा, अलग से कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मैं क्वाड्रिलेटरल की नहीं करूंगा। हाँ लेकिन जैसे मेंसुरी, अब जैसे मैंने लिखा सपोज एलजेब्रा में मैंने बोला मॉडुलस, जब मैं मॉडुलस पढ़ा रहा हूँ तो मॉडुलस पे आपने अच्छी प्रैक्टिस करी, मेरे नोट्स भी करे, प्रीवियस ईयर भी करे, खुद से भी काफी सारे क्वेश्चन ट्राई करे, है ना। लॉग आ गया तो लॉग आपने मेरे से बड़ा सब कुछ करा, मतलब बिल्कुल तीनों स्टेप फॉलो करे। लेकिन अब मान लो मैं इसमें फंक्शन पढ़ा रहा हूँ, अब मैं फंक्शन पढ़ा रहा हूँ ठीक है, तो फंक्शन पढ़ते वक्त आपने क्या करा कि आपने बस जो जितना मैंने क्लास में पढ़ा बस उतना पढ़ा और वो पीवाईक्यूज में जो फंक्शन के क्वेश्चन दिखेंगे वो कर लिए, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। डन है बात, मैं क्या कह रहा हूँ, डिफरेंस क्लियर है सभी को। अब जैसे नंबर सिस्टम है तो नंबर सिस्टम को क्या करना है, अपने को फैक्टर रिमाइंडर डिविजिबिलिटी इन तीन को बिल्कुल प्रो लेवल पे करना है, टीचर के नोट्स करने हैं, प्रीवियस ईयर करने हैं, वैरायटी ऑफ बुक्स में से खूब सारे क्वेश्चन भी ट्राई करने हैं ताकि बिल्कुल आदत बने अच्छे लेवल पे। लेकिन बाकी अब मैं नंबर सिस्टम में मान लो अदर कुछ पढ़ा रहा हूँ आपको, अदर चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसको आप ऐसे जैसे ट्रेलिंग जीरोस मैंने पढ़ा दिया तो ट्रेलिंग जीरोस में ठीक है यार बस सर के नोट्स कर लिए काफी है, सर क्लास में 15-20 क्वेश्चन कराई देते हैं, बाकी थोड़ा पीवाईक्यू में अगर दिख गया तो दिख गया, राइट। बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो समझ गए ना, ये वो चैप्टर जिन पे फुल एफर्ट्स आपको करने हैं, क्लियर है। अब इसका मतलब ये नहीं रखना कि अरे अगस्त से पहले तो आपने मना किया, मैं अगस्त के बाद पढ़ूंगा परमिटेड, पढ़ लो अगर टीचर पढ़ा रहा है पढ़ लो, लेकिन मास्टर लेवल पे इन सारे चैप्टर को करना है। डन है बात, क्लियर है सभी को, उम्मीद कर सकता हूं मैं इस बात की, ठीक है। तो ये थोड़ा तो इस तरीके से अपनी पिक्चर को पूरी तरह क्लियर रखो, डन, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और सिलेबस से मतलब मेरा ये कहना था, ठीक है सुरभि, आई गेस यार आपको आपके आंसर्स मिल गए होंगे, ठीक है सुरभि। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि आपका सिलेबस भले 2 महीने पहले कंप्लीट हो, कैट से 2 महीने पहले, पर जब सिलेबस कंप्लीट होना तो बिल्कुल परफेक्शन के साथ होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि रिवीजन करेंगे दोबारा कर लेंगे वगैरह, ऐसे नहीं होता। मुझे लगता है एक चैप्टर बच्चा एक ही बार पढ़ता है शिद्दत के साथ, उसके बाद उसका मन नहीं करता पढ़ने का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया, आप भी बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हो मेरे, बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, डन। देखो पहली बारी में जो आपको इंटरेस्ट होगा ना, अब मान लो आप मॉक टेस्ट देने गए, अब मॉक टेस्ट में आपसे इसके क्वेश्चन ही नहीं हो पा रहे, फिर आपने कहा चल यार दोबारा पढ़ते हैं एक बार, पर दोबारा में वो मजा नहीं आएगा। तो इसलिए या जैसे कई बार लोग पढ़ाते हो कहते हैं कि अभी मैं बेसिक लेवल पे पढ़ा रहा हूँ बाद में मैं एडवांस पढ़ाऊंगा, ये मुझे बड़ा नॉनसेंस लगता है। भैया जो भी बेसिक एडवांस है एक बारी में पढ़ा के खत्म करो, ठीक है, ताकि बच्चा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में ऐसे टिक लगा दे कि भाई ये कंप्लीट हो गया, अब देख लेंगे इस चैप्टर को, ठीक है, उस लेवल पे होना चाहिए। खैर ये पॉइंट्स से यार जो डिस्कस करने थे, पॉइंट्स में मॉक में माइनस में आंसर है, नहीं कोई नहीं आएगा हर। बाकी यार जैसे मैंने कहा था एक मॉक टेस्ट की एक सीरीज में आप लोगों के लिए स्टार्ट करूंगा, इसमें भी मैं बता देता हूँ, जैसे भी वो स्टार्ट होगी मैं जल्दी आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि ये मुझे पता है कि यार एक क्या होता है ना, अभी मैंने बातें बोल दी आपको सुन के लगा हाँ हाँ बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है ना तो अपन कर नहीं पाते। लेकिन हाँ हमें अगर कोई और ये मैं आपको नहीं बोल रहा, इसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, जैसे मुझे भी अनअकैडमी कहते हैं सर ये फलाना फलाना चीज कर दो तो मैं भी उसको डिले करता हूँ, लेकिन जब वो डेडलाइन दे देते हैं ना कि सर 5 तारीख तक सबमिट कर देना, ठीक है, जब वो डेडलाइन देते हैं तो मैं भी मतलब एक काम जो उन्होंने 1 तारीख को बोला करने में 4 दिन, राइट ना, तो 4 दिन में मैं बड़े आराम आराम से लगा पड़ा, लेकिन वही जैसे लास्ट वाला दिन आया ना कि भाई आज तो सबमिट करना है, समझ गए, तो जो काम 4 दिन का ना वो एक ही दिन में खत्म हो जाता है और अच्छा भी खत्म होता है, ये नहीं कि जल्दबाजी वाला, बिल्कुल अच्छी तरीके से एक ही दिन में खत्म हो जाता है, ठीक है। तो डेडलाइन होना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए एक चीज मैंने सोची थी जो मैं अभी थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ, वो सीरीज में स्टार्ट करूंगा एक तरीके की, मैं आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूंगा, ठीक है, जो कि वो टेस्ट हुआ करेगा सिर्फ और सिर्फ सैटरडे और संडे को हुआ करेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लो 1 जून को, ऐसी 1 जून को सैटरडे है तो मैंने बोला भाई 1 जून सैटरडे परसेंटेज का टेस्ट है, फिर एक हफ्ते बाद यानी कि 8 तारीख पे आ जाते हैं। अब 8 तारीख को सैटरडे आया, ठीक है, 8 तारीख को सैटरडे आया और मैंने कहा रेशो का टेस्ट है, लेकिन जब मैं रेशो का टेस्ट लूंगा तो उसमें परसेंटेज के भी क्वेश्चन होंगे। फिर 8, 7, 15, फिर 15 तारीख आ गए, 15 जून आ गया, 15 जून को सैटरडे आया और मैंने बोला कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का टेस्ट है, तो आपके पास एक हफ्ता उस चीज को रिवाइज करने के लिए, तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का तो टेस्ट होगा लेकिन साथ ही साथ उसमें परसेंटेज और रेशो का भी टेस्ट होगा, समझ गए, आई गेस पकड़ गए ना सभी बच्चे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्लस नहीं सबके लिए होगा वो, ऐसे स्पेशल क्लास पे रखूंगा मैं, फ्री वाला टेस्ट होगा वो, ठीक है। तो ऐसे करते 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 क्या होगा, अब आप इस चीज को इमेजिन करो, अगर आप इसको बिल्कुल सिंसियरली फॉलो करते हो तो पहले हफ्ते एक हफ्ता आपने परसेंटेज पढ़ा पूरा ढंग से पढ़ा, राइट, फिर अगले हफ्ते आपने रेशो पढ़ा और क्या करा, परसेंटेज पहले एक हफ्ते में पढ़ा था लेकिन आपको पता है कि सर अगले हफ्ते में भी परसेंटेज देंगे तो अगली बार आपको परसेंटेज रिवाइज करने में एक हफ्ता थोड़ी लगेगा, वो तो 2 दिन में रिवाइज हो जाएगा, बाकी का 5 दिन रेशो पढ़ लिया। फिर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आया, शुरुआत के 5 दिन मस्त आपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा,
लास्ट के 2 दिन में आपने मुझे पुराने 2 चैप्टर रेशो परसेंटेज है वो भी रिवाइज कर लिए, ठीक है। फिर मैंने 1 हफ्ते बाद टेस्ट लिया, यानी कि मैंने 22 तारीख को टेस्ट लिया, फिर मान लो मैंने बोला कि मैं आज लॉक का टेस्ट लूंगा, तो लॉक का तो टेस्ट है, पुराने वाले जो चैप्टर है परसेंटेज वर्सेंटेज वो सब है। तो अगर आप इसको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करते हुए जाओगे तो यू विल फाइंड कि जब हम लोग बिल्कुल लास्ट टेस्ट लेंगे ना, जब अपन बिल्कुल लास्ट, मान लो बिल्कुल लास्ट चैप्टर मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रखा, तो उस दौरान पीएनसी तो दोगे लेकिन पीछे से आप एक चेन कनेक्ट करते 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 आए हो, जिसमें ये परसेंटेज चैप्टर जो मैंने पहली बार टेस्ट लिया होगा उसको तो आप पता नहीं 20-25 बार रिवाइज कर चुके होंगे, रेशो को आप कम से कम 24 बार रिवाइज कर चुके हो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस 23 बार रिवाइज हो चुका होगा, और ये जो चैप्टर है जो अभी 1 हफ्ते पहले मैंने प्रोबेबिलिटी का टेस्ट लिया होगा वो तो बिल्कुल फ्रेश पढ़ा है आपने, वो तो बिल्कुल फ्रेश पढ़ा है, उसको क्या रिवाइज करना, वो तो अभी 1 हफ्ते पहले ही पढ़ा है, समझ गए। तो ये उसके थोड़े बेनिफिट निकलेंगे आपके, तो ये मुझे लगता है, मतलब ऐसा मैंने पहले नहीं किया बट मुझे ऐसा लगता है बड़ा, क्योंकि ये मैंने देखा है जब तक कोई रीजन नहीं होता ना अपने को काम करने का मन करता नहीं, और जैसे मैंने कहा वो आप नहीं हो सबके साथ है, उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, ठीक है। वो एक डेडलाइन देना, वो एक टास्क देना, वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि फिर एक फील आता है पढ़ने का, अदरवाइज फील नहीं आता, ठीक है। तो बस ये रखूंगा, जैसा भी होगा इसको मैं यूट्यूब वगैरह पे पूरा अपडेट करूंगा, बट जहां तक यार मैं जून के फर्स्ट वीक से शुरू कर दूंगा, क्योंकि ज्यादा डिले करने का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। जून के फर्स्ट वीक से मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा डिले करने का कोई मतलब बनता नहीं है। चलो ठीक है, ओके। तो ये था सर, बेसिक क्लियर करने का कुछ बता दीजिए क्वांट्स में, यार बेसिक क्लियर करने का बेसिक कैसे, मतलब यार मैं कोई चैप्टर, मतलब मुझे अपना ही पता है जब मैं कोई चैप्टर पढ़ाता हूँ तो ऑब्वियसली बेसिक से ही पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है, परसेंटेज बिल्कुल बेसिक से शुरू करके फिर धीरे धीरे करके लेवल अप होता है ना, ये मत करना। अच्छा यार ये मैंने एक दो चीजें बड़ी देखी है कि क्वांट्स करने से पहले आप एक काम करो, जाके ना एनसीईआरटी बुक्स खरीद लो और एनसीईआरटी बुक्स करना शुरू कर दो, मतलब मुझे समझ नहीं आती वो चीज, क्या मुझे ज्यादा सेंस लगा नहीं इस बात में, पर्सनली बताऊं मुझे लगता है कोई ऐसा टीचर पकड़ो जो किसी भी चैप्टर को बेसिक से शुरू करता है और एडवांस तक लेके जाता है, लेकिन शुरू बेसिक से करता है और एडवांस तक लेके जाता है, तो फिर आपको बुक्स वगैरह की जरूरत नहीं है ना, वो बंदा आपको काम काम की चीजें बताएगा। बुक्स में आप जो, आपको भी पता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो शॉर्ट ट्रिक वगैरह हम लोग यूज करते हैं वो एनसीईआरटी में जो आपने सीखा उससे बहुत डिफरेंट है, ठीक है। और एक चीज और देखना, पता नहीं वो बोलते हैं लेकिन मुझे लगता है प्रॉपर हर चीज को एक एनालिसिस करके बोलना चाहिए। एनसीईआरटी में आप क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर देखना और आप जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के स्ट्रक्चर होते हैं क्वेश्चन के वो देखना, दोनों में फर्क होता है। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर इस तरीके के होते हैं कि जो बाप है वो बेटे से 10 साल बड़ा है, जो बाप है वो बेटे से 10 साल बड़ा है। अगर मैं ऐसा कुछ बोलूंगा कि बाप बेटे से 10 साल बड़ा है तो आपको ये बोलना होगा कि बेटा एक्स का है तो बाप क्या बोलूं, जो फादर है, ठीक है, जो बेटा है वो एक्स का है तो जो फादर है वो एक्स प्लस 10 के है, क्योंकि कभी भी जब कंपैरिजन प्लस माइनस में होता है तो आप रेशो नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप रेशो, अगर आप एक्स और एक्स प्लस 10 को रेशो में लिखोगे तो कोई सेंस नहीं बना, एक्स कटता थोड़ी है, राइट। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन अक्सर इस तरीके पे चलते हैं, लेकिन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं उनमें ये नहीं होता कि जो फादर है वो सन से 10 साल बड़ा है, उसमें ये होता है कि जो बाप है वो बेटे से डबल एज का है, उसमें ऐसा होता है डबल है, 20% ज्यादा है ना, 5/2 है, मतलब फ्रैक्शन परसेंटेज रेशो ये ज्यादा यूज करते हैं वो लोग, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि फादर सन डबल एज का है तो 2:1 का रेशो ले लिया, क्योंकि अगर आप एक्स और 2x लेते भी हो तो रेशो में एक्स एक्स कट जाएगा, राइट। तो ये बात पता है ना सबको कि कभी भी अगर किसी भी क्वेश्चन में 2 वेरिएबल है पर उन वेरिएबल को कंपेयर किया गया प्लस माइनस के सीन में कि भाई इससे 10 ज्यादा है ये इससे 15 कम है तो वहां एक्स लेना पड़ता है, लेकिन अगर कोई कंपैरिजन ऐसा चल रहा है कि वो उसका ट्रिपल है, वो उससे 50% कम है, वो उसका 7/5 है, तो वो बिना एक्स माने हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर सन है एक्स, फादर है 7/5, तो 7/5x रेशो में लिखो, एक्स एक्स कट गया तो एक्स लेने का मतलब नहीं बना, लेकिन अगर फादर सन से 10 साल बड़ा है तो सन हुआ एक्स, फादर हुआ एक्स प्लस 10, रेशो में लिखो, क्या एक्स कटेगा? नहीं कटेगा सर, तो इनमें एक्स लेना पड़ता है। ये भी एक छोटी सी क्लैरिटी रखना, ठीक है। मतलब जो बच्चे कई बार कहते हैं ना कि सर हमें नहीं पता लगता, आप लोग कभी एक्स मानते हो कभी ये मानते हो, तो भैया ये रीजन है कहां पर हम लोग एक्स मानते हैं, मतलब ऐसा नहीं है फिर ऐसे क्वेश्चन को डीकोड नहीं किया जा सकता बिना एक्स के, करा जा सकता है लेकिन सारे क्वेश्चन को नहीं, ठीक है, ओके। बात आई समझ में? ये कुछ नहीं यार, काइंड ऑफ एक मैराथन था, तो मुझे ये था कि नंबर सिस्टम पे पढ़ाना है, बट मैंने कहा चलो ठीक है यार पहले कुछ डिस्कशन कर लेंगे बच्चों। और किसी को कुछ पूछना है, और कोई डाउट शाउट है आपके? ठीक है, आई गेस क्लियर होंगे, तो ये सब चीजें ध्यान रखनी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार एनसीईआरटी करोगे उससे बेटर है कि यार ऐसा टीचर पकड़ो जो बेसिक टू एडवांस कराता है, तो जब क्या होगा परसेंटेज की बात होगी तो मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा कि भैया ये परसेंटेज होता है, ये रेशो होता है, ये फ्रैक्शन होता है और इसको ऐसे ऐसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। लॉग की बात होगी तो पहले मैं लॉग के बेसिक्स ही तो बताऊंगा कि देखो जी लॉग ऐसे होता है, लॉग इस तरीके का होता है, लॉग का मतलब क्या होता है,
मतलब मेरा तरीका है, मुझे बाकी का नहीं पता, और जो बच्चे पढ़ते उन्हें पता है कि मैं अगर लॉग है तो पहले ऐसे ही तो शुरू करूंगा ना, अभी ये थोड़ी होता है लॉग का ये क्वेश्चन है सॉल्व कर दो, ऐसे ही तो शुरू करूंगा कि भाई लॉग होता है, लॉग इस पर्पस पे यूज होता है, लॉग एक्सपोनेंट में ऐसे कन्वर्ट होता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है, तो काम की चीज पढ़ो ना सीधा और शुरू करो पढ़ना, ठीक है। मोस्टली टीचर यार सॉरी यार कह रहा हूँ परिधि, मोस्टली टीचर ऐसे ही होते हैं, मतलब मैंने जितने देखे हैं जो भी चार पर ऐसे ज्यादातर तो ऐसे ही पढ़ाते हैं, कोई भी टॉपिक बेसिक से शुरू करते हैं, थोड़ा डेफिनेशन वगैरह बताते हैं कि भाई लॉग क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या यूज है, धीरे धीरे प्रॉपर्टी बताएं, कुछ क्वेश्चंस कराएं और फिर चीज को आगे लेके जाए, ठीक है। देन क्लियर बात, आई होप समझ आ गया होगा, डन है। और बस एक चीज ये छोटी सी ध्यान रखना कि एक और बात, आपको डाउट कहाँ पे आना चाहिए, आपको डाउट आना चाहिए कि यार ये जो है वो सही तरह पढ़ा रहे नहीं, मतलब यार ये चैप्टर एक्चुअली कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, अगर आपको चैप्टर 2-3 घंटे में खत्म करा दिया गया दैट मीन्स वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, 2-3 घंटे में कैसे हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी चैप्टर में यूज होने वाली, मतलब 2 घंटे में चैप्टर खत्म कराना, मैं यूट्यूब पे जब पढ़ाता हूँ तो नहीं करा पाता यार 2 घंटे में, जबकि यूट्यूब पे तो सारा कॉन्टेंट, मतलब वैरायटी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तो मैं कराता नहीं, एक होता ना कि प्लस में तो मैं काफी सारे क्वेश्चन भी कराता हूँ, प्रैक्टिस एंड ऑल ये सारी सारी चीजें करा रहा होता हूँ, यूट्यूब पे तो मैं उतना जाता भी नहीं हूँ, तो भी 2 घंटे में चैप्टर नहीं हो पाता, तो सिलेबस में कैसे होना, मतलब वो मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि अगर कोई बंदा आपको यूज होने वाली शॉर्ट ट्रिक्स बताएगा, चैप्टर के कॉन्सेप्ट बताएगा और सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो 2-3 घंटे में नहीं हो सकता चैप्टर यार, सेंस नहीं बनता। आद्या आपको मैंने जैसे लिखा था ना आद्या, कि मैंने लिखे थे यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने बोला था कि 3.5 से 4 महीने में मुझे लगता है आद्या आप कर पाएंगे, वैसे 3.5 से 4 महीने का मैंने टारगेट लिखा था, ठीक है, तो आप इसको कर पाओगे कंप्लीट। थोड़ा सा ये ध्यान रखना आद्या कि अगर मैं बोलूँ ना आपके पास क्योंकि सब्सक्रिप्शन है, तो कुछ आपको याद होगा कुछ चैप्टर ना थोड़े रिकॉर्डिंग से भी कर लेना, आपको याद है ना मैंने जब पहली क्लास, अच्छा आप शायद हो गए उस बैच में, मतलब अगर कुछ टॉपिक्स हैं तो आप कुछ टॉपिक जो है उन टीचर, जैसे हम लोग जब पढ़ाते हैं ना सब्सक्रिप्शन में, तो मैंने CAT 22 के टाइम पे अगर कोई परसेंटेज, या CAT 23 के टाइम पे मैंने जो कोर्स कराया था परसेंटेज रेशो एलिगेशन का, तो उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, ठीक है। और रिकॉर्डिंग मतलब इतने आराम आराम से, तसल्ली के साथ में आराम आराम से, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही कि देखो बेटा 2+3 मतलब 2, 3 = 5, ऐसे भी नहीं, इतना भी आराम से नहीं, बट कहने का मतलब है कि इतनी स्पीड से क्लास चल रही होती है कि अगर आप रिकॉर्डिंग से भी पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि सर जो मेरे डाउट आएंगे मैं कैसे क्लियर करूंगी, तो उसमें क्या होता है कि मेरी क्लास में जनरली बच्चे डाउट पूछते रहते हैं, तो मैक्स मोस्टली पता क्या होता है कि अगर आपको किसी चीज में डाउट आ रहा है ना, तो वो किसी और बच्चे को भी आया होगा लाइव क्लास में डाउट, और उसने लाइव क्लास में पूछ लिया होगा फॉर श्योर, तो डाउट आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो कुछ चैप्टर आप थोड़ा रिकॉर्डिंग से कवर अप करना, ठीक है, और कुछ आप लाइव क्लासेस से करना प्रैक्टिकली, तभी आप 3.5-4 महीने में सिलेबस को कर सकते हो, ठीक है, इन सारे चैप्टर्स को इंक्लूडिंग, मतलब सारा सिलेबस जो 3-4 महीने में तभी हो पाएगा, क्योंकि पॉइंट क्या ना देखिए, अभी क्रैश कोर्स भी आएंगे हमारे, अभी जब एग्जाम से 4 महीने बचे होंगे तो 4 महीने पे हमारे क्रैश कोर्स भी आएंगे, लेकिन अगर आप देखो तो उन 4 महीने के दौरान जो हम लोग क्रैश कोर्स कराएंगे तो बहुत ज्यादा आराम से नहीं चलेगी। जैसे अभी क्या होता है कि लाइक परसेंटेज मैंने कराया जनवरी के टाइम, तो मैं मतलब मुझे पता है टाइम बहुत है, तो हर एक चीज पर बहुत बारीकी से हर एक पॉइंट को डिस्कस किया, हर एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कराए, लेकिन वहीं जब आ जाएगा अगस्त आ गया, तो आपको लगता है अगस्त में कोई बच्चा इतनी देर तक परसेंटेज चैप्टर पढ़ना चाहेगा, तब वो नहीं पढ़ना चाहेगा, क्योंकि उसको भी बैक ऑफ द माइंड ये है कि सर समझ आ रहा है सब कुछ, लेकिन सर 2 महीने बचे ना, अब इतना स्लो नहीं चल सकते, राइट। तो क्रैश कोर्स तो मुझे सही बताओ, मुझे क्रैश कोर्स लगता है उन बच्चों के लिए बना है जिन्होंने एक बार कोर्स कर रखा है और अब वो तेजी से समअप करना चाहते हैं, लेकिन 6 मंथ ठीक है टाइम, 6 मंथ में किया जा सकता है, 3-4 महीने अगर आप ढंग से पढ़ के सिलेबस कर लो, ठीक है। आई थिंक पढ़ाने को तुम आज तो ऐसे ही खत्म हो गया सारा, पढ़ाऊंगा नहीं। देखो गैप ईयर तो सुरभि, देखो गैप ईयर का पॉइंट सिर्फ इतना है कि गैप ईयर तो ऑब्वियसली काउंट, तो वो गैप ईयर में रह गए, मतलब नो डाउट कि आप उसमें आओगे कि सर मैं तो अपना इग्नू से, जब आप जाओगे मान लो अपना इंटरव्यू वगैरह सब क्रैक हो गया और उन्होंने इस पर्टिकुलर, क्योंकि वो तो बात करेंगे कि आपकी ग्रेजुएशन, हालांकि आप उसमें पहली बात तो मेंशन कर दोगे कि भाई मैं अभी राइट नाउ, है ना, ऑब्वियसली बात है कि आप अपने रिज्यूमे में मेंशन करोगे इस बात को ना कि मैं अपनी एमकॉम परस्यू कर रही हूँ अभी, है ना, इग्नू से, राइट। तो ऑब्वियसली बात है कि इतना तो उन्हें पता है कि दैट मीन्स ये गैप ईयर में काउंट नहीं हो रहा है बच्चे के, राइट। तो मुझे नहीं लगता फिर आपको इश्यू आएगा इन चीजों का,
बट स्टिल अगर वो इस पॉइंट को उठा देंगे, ठीक है आप इस टाइम पीरियड में क्या कर रहे थे, तो बस आप बता सकते हो कि यार एक तो मैं अपनी इग्नू से मैं अपनी एमएससी कर रही हूँ, ठीक है एम कॉम कर रही हूँ सॉरी, और साथ साथ मैं अपना जो भी है कैट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो बेसिकली पता क्या होता है, उन्हें एक ऐसा बच्चा चाहिए जो थोड़ा एक्टिव वाला है। जैसे कुछ बच्चे बात करते हैं ना कि सर मेरा 2 साल का गैप ईयर है, 2 साल क्या गया सर, मैं तो 2 साल तो कुछ नहीं किया सर। तो अब यही एटीट्यूड अगर आपने अपना उसके आगे रख दिया कि बेटा 2 साल ये ग्रेजुएशन के बाद 2 साल गैप है, क्या कर रहे थे उस बीच, आपको कुछ नहीं कर रहा था, तो क्यों सेलेक्ट करेगा आपको, ठीक है ना। वो चाहेगा ना, कोई भी बंदा चाहेगा कि यार 2 साल तक आप कैट की तैयारी थोड़ी कर रहे होगे, कैट के साथ भी तो कुछ कर रहे होगे ना, कुछ कुछ एक्टिविटीज कुछ स्किल डेवलप की होगी अपनी। और वो जरूरी नहीं है कि आपने, जरूरी नहीं कि किसी कंपनी में जाकर के काम किया वहां का वर्क एक्स लाओ, आप क्या कर रहे थे 2 साल वो ये जानना चाहते हैं। अब वो 2 साल आप जो भी एक्स वाई जेड कर रहे थे वो कितना एक्साइटिंग है, कितना सही है, वो मुद्दा है वहां पे। और जिसके लिए अगेन आप ये सोचो, कुछ बच्चे की मैं फलाना जगह जॉब कर रहा था, वहां से तो एक्सपीरियंस लेटर मिलता नहीं है, वहां से कुछ प्रूफ नहीं होता, उसकी टेंशन मत लो। वो अगर आप उन्हें बोलोगे कि जी 2 साल मैं जो है एनजीओ कर रही थी या जो भी, बिल्कुल परिधि कुछ नहीं है, बस एक्टिव इंसान चाहिए इन शॉर्ट उन्हें, जिसके बाद जस्टिफाई हो। ये ना हो कि मैं 2 साल बस बैठा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए एक्सप्लेन करने की, मैं 2 साल क्या कर रही थी एक्चुअली, ठीक है। बट हाँ, अब इन 6 महीने आपको सबको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। इस 6 महीने आप कोई सर्टिफिकेशन कोर्स या कोई इन सब चीजों में मत उलझना, कोई भी बच्चा, ठीक है ना। 6 महीने सिर्फ और सिर्फ कैट के लिए फोकस करो, क्योंकि ये सब जो इंटरव्यू है या गैप, ये तो बाद की बात है, जब क्लियर होगा परसेंटाइल आएगी, ठीक है। तो ये 6 मंथ तो आप सिंपल बोल सकते हो कि जी मैं ये 6 महीने तो मैंने कैट को दिए सर, उससे पहले मैं एनजीओ कर रहा था या थोड़ा बहुत कैट के लेवल पे मैं पढ़ रहा था जो भी चीजें हैं, या मैं अपनी इस स्किल को डेवलप कर रहा था। जैसे लास्ट टाइम एक बच्चा है तो उसने अपने इंटरव्यू में ये चीज रखी थी, उसका 1 साल का गैप ईयर आ रहा था, तो उसने रखा था कि सर मैं मतलब स्पिरिचुअलिटी पे वर्क कर रहा था, ठीक है। अब स्पिरिचुअलिटी का कोई कोर्स थोड़ी किया होगा उसने, वही सब गीता पढ़ी होगी या फिर वीडियोस वगैरह के थ्रू उसने ज्ञान लिया ना, उसका कोई सर्टिफिकेट होता है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, कर तो रहा था ना कुछ, तो उन्होंने बस उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करी। 15-20 मिनट जो इंटरव्यू में डिस्कशन चला वो स्पिरिचुअलिटी पे चला, कि अच्छा क्या सीखा आपने, उसने कुछ बताया, उसमें कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करी, जस्ट टू चेक कि एक्चुअली ये चीज में इन्वॉल्व था या ये एम ही बोल रहा है सिर्फ, ठीक है। तो वो सब पॉइंट आ जाते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे सभी बच्चे, मतलब 1 साल के गैप ईयर को इन सब तरीके से बच्चे जस्टिफाई कर देते हैं। मेन है जस्टिफाई कितना अच्छा आप कर रहे हो उस चीज को, वो मैटर करता है। डन, आई होप क्लियर है बात सभी को। सुरभि, ये सब पता है, ये ना बहुत ही कंफ्यूजन है, मैं बेसिकली बोलूं ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सी स्टेटमेंट है कि गैप ईयर को आप सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस से दिखा दो। एक्चुअली कुछ नहीं होता, वर्क एक्सपीरियंस पे कुछ नंबर होते हैं, जैसे उनकी होता ना कि ये आउट ऑफ 10 कुछ एक एक्टिविटी है जिस पे आपको मार्क्स देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर कोई चीज उन्होंने वर्क एक्सपीरियंस पे रखी है, अगर कोई एक कैटेगरी उन्होंने रखी है कि अच्छा हम जो भी बच्चे आएंगे, जैसे कोई जो कॉलेज है और वो इस बात पे काम करना चाह रहे कि भाई वर्क एक्सपीरियंस की उन्हें इस चीज की डिमांड है, क्या थोड़े वर्क एक्सपीरियंस वाले लोग उठाएंगे हम लोग, ठीक है। तो उन्होंने वर्क एक्सपीरियंस में मतलब 5 मार्क्स का अपना रख रखा है कि भाई 5 नंबर का वर्क एक्सपीरियंस वाला सीन है। तो वहां पर अगर किसी के पास वर्क एक्सपीरियंस है ही नहीं तो कोई नहीं, वहां पर क्रॉस कुछ नहीं है इसका। हाँ, लेकिन गैप ईयर के बारे में बातें चलेंगी, तो वहां पर जहां पे वो आपकी पर्सनैलिटी वगैरह जज कर रहे हैं, मॉक टेस्ट और भी तो कई चीज़ें हैं, वर्क एक्सपीरियंस भी होता है, आपकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं, काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, छोटे छोटे फैक्टर जिन पे वो काम कर रहे होते हैं, तो वो नंबर आपको वहां पर दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आ जाती है, और जिसमें अगेन अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, अगेन ये कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि अगर ये फिक्स क्राइटेरिया होता तो ये सब चीजें लिखित में होती, आप समझ रहे हो। जैसे कोई आई एम अहमदाबाद है, जब वो अपने अपने यू नो एडमिशन फॉर्म रिलीज करता तो उसमें सब कुछ रिटर्न में होता कि हमें इतना वर्क एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, हमें इतने गैप ईयर वाला चाहिए ही नहीं। कभी आपने देखा कैट में ऐसा लिखा हुआ? अगर ऐसा होता कि 2 ईयर का जिसका गैप है उसे ये कॉलेजेस सेलेक्ट नहीं करेंगे, अगर ऐसा होता तो फॉर्म पे लिखा होता, अदरवाइज क्यों वो फिर फॉर्म फिल करवा रहे हैं? अगर वो 2 ईयर के गैप वाले बंदे को लेंगे ही नहीं तो मेंशन करेंगे ना इस चीज को, राइट है, बट ऐसा कुछ नहीं लिखा होता उसपे। तो ये सब होता है कि आप सिंपल अपना टॉप परसेंटाइल लाने पे फोकस करो, और जो रियलिटी है जो आप कर रहे हो एक्चुअली में, आप उसी को पे ध्यान दो। आप बस उस कैटेगरी ऑफ बच्चों में मत आओ राइट नाउ, वो कैटेगरी नहीं होनी चाहिए कि 2 साल क्या कर रहे थे जी कुछ नहीं कर रहा था, वो नहीं होना चाहिए, वो नेगेटिव चला जाता है कि 2 साल क्या किया कुछ नहीं किया, वो नेगेटिव जाएगा, कंप्लीट नेगेटिव जाएगा, ठीक है। आपके एटीट्यूड वाइज भी पूरा नेगेटिव जाएगा उनके लिए, ठीक है, क्योंकि उन्हें भी बताओगे ये क्या तरीका हो, मतलब कुछ तो घुमा कुछ झूठ ही बोल देता भाई, मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए बट ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया ना कि 2 साल में कुछ नहीं कर रहा था, ठीक है, ये चीज आप वहां आंसर नहीं कर सकते।
कोई स्किल अपनी शो करोगे, भाई मैं फलाना स्किल है जिस पे वर्क कर रहा था, कैट की तैयारी तो कर ही रहा था पर कुछ स्किल्स पे भी काम कर रहा था। लेकिन ये सब तब आएगा जब आप सिर्फ और सिर्फ अभी 99% पे, मतलब जो भी है, जो भी आपका टारगेट स्कोर है, अपने टॉप परसेंटाइल पे आप फोकस करो, टाइम कम है हमारे पास, और सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो, क्योंकि अब हमारे पास बचे सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ, राइट है। और मैं सही बताऊं ना, अगर आप लोगों ने सोच लिया कि भाई कैट का एग्जाम देना ही देना है, तो अब ना, मतलब मेरी ये राय होगी सभी को कि गैप ईयर, इंटरव्यू में क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में कुछ मत जानो, अब कुछ मत जानो, कुछ मत सुनो किसी से, अब आप सिर्फ और सिर्फ अपनी कैट की प्रिपरेशन पे ध्यान दो, क्योंकि मुद्दा यह है कि सबसे पहले नंबर लाना, जब आपके नंबर आ जाए फिर आप इन चीजों में इन्वॉल्व होना, क्योंकि जरूरी नहीं है ना, कई कॉलेज है वो वर्क एक्स पे नहीं फोकस करते, उन्हें वर्क एक्सपीरियंस से कोई लेना देना नहीं है, वो बस 10-12 ग्रेजुएशन के मार्क्स पे फोकस कर रहे होते हैं, मतलब एक ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ 10-12 के मार्क्स, आपका कैट में क्या स्कोर आया वो एक अलग कैटेगरी है, आपका इधर क्या स्कोर आया वो एक अलग कैटेगरी है, आपने जीडी में कैसा परफॉर्म किया वो एक अलग कैटेगरी है, फिर इन सबको किया सम अप, और फिर सम अप करके आपको फाइनल एडमिशन की कॉल आई। समझ गए ना बात सभी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स है सबको क्लियर हो गया ना, ये सब अलग अलग पैरामीटर्स है, कैट का स्कोर कितना है, ठीक है, 10-12 ग्रेजुएशन वर्क एक्स, उनका एक अलग, उनका एक यू नो कैलकुलेशन होगी कि इसमें से कितने कितने नंबर है, फिर एक अलग कैलकुलेशन होगी जीडी में बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया, तो इन सब चीजों को फिर वो समअप कर देते हैं, और समअप करके फिर एक फाइनल कॉल आती है। अब वही पॉइंट आ जाता है, इसका आप कुछ कर नहीं सकते, अगर किसी के टेंथ में फलाना परसेंट है तो वो वहीं रहेंगे। अब आपको बोलो टेंथ में ना 90% चाहिए होते हैं, तो आप मार्कशीट थोड़ी बदलवा लोगे अपनी, डन है ना, वो तो हो गया राइट। लेकिन कई कॉलेज हैं जो नहीं इस चीज पे इतना इंटरेस्ट लेते, ठीक है, मान लो स्नैप स्नैप की तरफ आप चले गए, उनको नहीं है इतना ज्यादा इंटरेस्ट, तो आप सिर्फ और सिर्फ अब 6 महीने, अब आपको अगर आपका यही टारगेट है कि भाई मैंने एमबीए ही करना है टॉप कॉलेज से, तो आप सिर्फ और सिर्फ अब आप पढ़ने पे ध्यान दो, बाकी ये सब बाद की बात है, ये सब बाद की बात है। एग्जाम जाने के बाद जब आप एक बार एग्जाम क्लियर कर दे तो कैट क्लियर कर दोगे, तो सिर्फ 3-4 कॉलेज नहीं है जो कैट एक्सेप्ट करते हैं स्कोर, बहुत सारे कॉलेज हैं जो कैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, फिर आप ये देखना कि भाई मैं किस कॉलेज की कैटेगरी में जाके फिट हो रहा हूँ, फिर अकॉर्डिंग, तब वो जानने में जरूरी, मतलब इंटरेस्ट होना चाहिए, अभी से नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एनीवेज अभी मैं कह दूं कि सर्टिफिकेशन कोर्स कर लो, तो आप 6 महीने तैयारी करोगे सर्टिफिकेशन कोर्स करोगे या जाकर के स्किल डेवलप करोगे, है ना, वो स्किल डेवलप वगैरह के लिए बड़ा टाइम है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो दैट्स इट यार, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। मतलब यार ये जो डाउट्स है सब, जो क्लैरिटी है, लेकिन यार पता क्या होता है, इस बातों को ऐसे मत लेना, ठीक है, नंबर सिस्टम भी कोई नहीं, सेशन वैसे ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, बट कोई नहीं, नंबर सिस्टम मैं पढ़ाऊ, वैसे तो मैं काफी सारे सेशन अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है, तो नंबर सिस्टम भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। नंबर सिस्टम में ना शॉर्ट में मैं आपको एक चीज तो जाते जाते बता ही देता हूँ, ठीक है, कुछ काम की बात भी मैं आपको बताता हूँ, देखो लेकिन यार एक काम करना कि अभी जब मैं यू नो आज जितनी भी बातें मैंने बोली हैं उसमें से 2-4 मतलब बातें काफी सारी हैं जो काम की है, आपको जो भी बात काम की लगे उसको इंप्लीमेंट जरूर कर लेना, ठीक है। नंबर सिस्टम में ये ध्यान रखना, नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो नंबर सिस्टम में हमारे काफी सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए, जैसे सबसे पहले क्लासिफिकेशन, ठीक है, नंबर्स का क्लासिफिकेशन आपको क्लियर होना चाहिए। क्लासिफिकेशन से मेरा मतलब क्या होता है कि कितने तरह के नंबर होते हैं, सारे नंबर 2 कैटेगरी में, रियल कॉम्प्लेक्स, रियल इंटीजर क्या होते हैं, रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है ना, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, रैशनल इरेशनल वगैरह वगैरह। तो द पॉइंट इज कि आपको नंबर्स का क्लासिफिकेशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या क्या छोटे छोटे टॉपिक है समझना, ट्रेलिंग जीरोस, जिसमें बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ट्रेलिंग जीरोस मुश्किल से मुझे लगता है 1 घंटे में खत्म हो जाता है, आपने ट्रेलिंग जीरोस पढ़ा उसमें यूज होने वाले कॉन्सेप्ट वगैरह समअप कर लिए, ट्रेलिंग जीरोस हो गया, आपके फैक्टर्स हो गए, ठीक है, आपने फैक्टर्स वगैरह पढ़ने अच्छे से, डिविजिबिलिटी पढ़नी है, ठीक है, डिविजिबिलिटी आ जाती है, डिविजिबिलिटी के बाद रिमाइंडर्स आ जाते हैं, ठीक है, रिमाइंडर आ जाते हैं, एक ये आप ध्यान रखना, एक सक्सेसिव रिमाइंडर होते हैं, ये जरूर करना होता है, ठीक है, सक्सेसिव रिमाइंडर के क्वेश्चन आते हैं काफी सारे, वो आप जरूर करना, सक्सेसिव रिमाइंडर, ठीक है। आपका यूनिट प्लेस हो गया, यूनिट, टेंस और 100th प्लेस, ठीक है, और 100th प्लेस, ये सारी चीजें आप जरूर पढ़ो, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100th प्लेस, ये आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। अब ये होते हैं कुछ टॉपिक, ये वो टॉपिक है जो बिल्कुल सिलेक्टेड टॉपिक है, जैसे कि ट्रेलिंग जीरोस का क्वेश्चन आ गया आपको तुरंत कर देना चाहिए, फैक्टर का क्वेश्चन आ गया, डिविजिबिलिटी आ गया, रिमाइंडर आ गया, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100th प्लेस, ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। ये है कि बिल्कुल आपको ढंग से करना, टोशेंट इसी में आ जाता है, रिमाइंडर में, ठीक है, जो टोशेंट मेथड होता है ना वो रिमाइंडर के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। अश्मित, धन अश्मित, क्या कह रहा हूं मैं, हाँ, और
ये सारी चीजें क्लासिफिकेशन, ट्रेलिंग जीरोस, फैक्टर्स, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर वगैरह, ये सारी चीजें अपने को खत्म करनी है। ठीक है, तो ये अपन समअप करेंगे, सारे के सारे टॉपिक आप लोगों को समअप करने हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत कंफ्यूजिंग है, एक्चुअली है, और कैट की वेटेज में इतना ज्यादा होल्ड भी नहीं करता ये, तो आपको ना एटलीस्ट इतना जरूर आना चाहिए कि भाई ट्रेलिंग जीरोस मतलब ट्रेलिंग जीरोस निकाले कैसे जाते हैं, फैक्टर कैसे, फैक्टर में बहुत सारी चीजें होती है, सम ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, सम ऑफ नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब वो फैक्टर जो परफेक्ट स्क्वायर है, वो फैक्टर जो परफेक्ट क्यूब होता है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर हो गया, रेसिप्रोकल का सम हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो फैक्टर की सारी कहानी आपको आनी चाहिए, हर एक चीज निकालने आनी चाहिए, डिविजिबिलिटी आपको क्लियर होनी चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, रिमाइंडर्स हो गए, सक्सेसिव रिमाइंडर क्लियर होने चाहिए, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस कैसे निकालते हैं क्लियर होने चाहिए। तो इन सबको फाइंड आउट कैसे किया जाता है, ये सारी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। और जो मिसलेनियस है, मिसलेनियस को आप लास्ट में कर लेना। मिसलेनियस मतलब क्या होता है ना, कुछ ऐसे रैंडम से क्वेश्चन होते हैं जिनको, बड़े अजीब से क्वेश्चन होते हैं, उनको पढ़ करके या तो हम लोग उसमें हिट एंड ट्रायल लगाते हैं, ठीक है, या फिर उसको पढ़ करके जब हमें समझ में आता है तो हमें पता लगता है कि भाई इसमें ट्रेलिंग जीरोस निकालना था, इसमें फैक्टर निकालना था। बट हाँ, ये सब निकाले कैसे जाते हैं, फाइंड आउट कैसे किए जाते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, डन है, बात क्लियर है? अच्छा है परिधि, शुक्रिया। डन है, डन है, बात क्लियर? तो सर, आई हैव जस्ट स्टार्टेड, सो कैन यू प्लीज शेयर योर रिकॉर्डेड सेशन? हाँ, मैं धनंजय एक बार शेयर कर दूंगा, पर मुझे मैसेज डाल देना। ठीक है, डन है, चलो। तो बाकी यार ये सब कुछ पॉइंट थे, थोड़ा सा है, बट ये सारी चीजें आपको फाइंड आउट करने आनी चाहिए, ट्रेलिंग जीरो, फैक्टर, डिविजिबिलिटी वगैरह वगैरह। ठीक है, बाकी ठीक है यार, बाकी नंबर सिस्टम चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसके ऊपर हर एक चीज को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इन सब चीजों के ऊपर मैं डिस्कशन आप लोगों से करूंगा। ठीक है।